अपने ही घर में गहरी नींद में सोई एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। आखिर कौन था यह शख्स जिसने इस महिला की जान ली? क्या रिश्ता था इस शख्स का इस महिला के साथ? और यह औरत अकेली क्यों थी? उसका परिवार कहां था? क्या मकसद था इस हत्या के पीछे? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आइए चलते हैं आगरा के पास एक छोटे से कस्बे में। अरे ठहरो, आग लगे तुम्हें, तुम्हारे घर में माफ़ी नहीं है क्या? खबरदार, जो अगली बार यहाँ पे नजर उठा के देखा तो टांगे तोड़ के रख दूंगी, पुलिस को दे दूंगी। अरे हम तो चले जाएंगे बुढ़िया, अपनी बहू के जवानी के जलवों पर काबू कर, कल कोई और खुश आएगा, कितना को रोकेगी बुढ़िया? क्या हुआ माँ जी? अबुआ, कोई होश भी है तुझे? क्या चल रहा है? क्या नुमाइश चल रही थी अंदर? अरे ऐसे तो तू मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। जब से ब्याह के आई है ना, घर में सनीचर का साया आ गया है। पहले तो धंधा मंदा हुआ, लड़की को खो बैठी, और अब मेरे इकलौते बेटे को खा गई। खानदान को एक बारिश भी नहीं दे पाई, बात कहीं की। आज मैं ना ये तेरा किस्सा जड़ से निकाल के निकल गया। नहीं माजी, ऐसा मत कीजिए माजी। मेरा बस चलता ना तो बेटे के होते ही तुझे घर से बाहर निकाल देती। आए दिन तेरे हुस्न के आशिक घर आके तमाशा करते हैं, और तो मेरा बेटा भी नहीं रहा जो उनका मुंह तोड़ के जवाब दे देता। अरे मोहल्ले में बेइज्जत करके रखा हुआ है। और सुन, अब ये तेरा आखिरी दिन है, अब तू इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकती, निकल यहाँ से। बाजी, 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 बाजी। रत्ती भर चैन नहीं है, आपत्ति पुड़िया मचा रखी है, और सारे मोहल्ले में बदनामी अलग। दरवाजा खोलिए बाजी, ऐसा मत कीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी बाजी? इनको गए अभी 18 दिन भी नहीं हुए बाजी। गलती हो गई जो मैंने सबूत छोड़ दिए, एक चीज छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं। मुझे अपने साथ रहने दीजिए बाजी। हम देखते हैं। चुटकी तुम इस वक्त? चुटकी क्या बात, इतनी रात यहां अकेले? चुटकी बताओ क्या बात, बोलो क्या बात। चलो आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, आओ। देखो चुटकी, घबराने की कोई बात नहीं, समय रहते सब ठीक हो जाएगा। अरे सास से तो कहा सुनी हो जाती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि अपना घर छोड़ के अपने भाई के घर आ धमको। शिला कैसी बकवास कर रही हो तुम, देख नहीं रहे हो कैसी हालत कर दी उन्होंने चुटकी की? आप चुप रहो जी, हम औरतों की बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने भी क्या नहीं सहा जब आपकी माँ जिंदा थी, हर बात पर टोकती थी, घर छोड़कर जाना ही होता तो मैं भी जा चुकी होती। उन्होंने तो हमारे साथ सारे रिश्ते ही खत्म कर दिए, सारे सबूत चला दिए, आधी रात को हमें धक्के मार कर घर से निकाल दिया। और भैया, हमारी केवल एक निशानी, एक फोटो भी हमसे छीन ले। अरे ऐसे कैसे निकाल दिया? शादी करके भेजा था, कोई भाग कर नहीं गई थी। हक है तुम्हारा वहाँ, यहाँ कब तक रहोगी, क्या कहेंगे दुनिया वाले, और हम तुम्हारा क्यों बोझ उठाए? शीला, देखो चुटकी, तुम इसकी बात का बुरा मत मानना, तुम लो खाना। चुटकी हम हैं ना, हम जाकर तुम्हारी सास से बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। लो खाना खाओ। बहू है नहीं थी। अरे ऐसी मुसीबत को मैं नहीं झेल सकती बाबा, आशिकों की लाइन लेके पीछे घूमती है वो। तुम्हारी बहन पे लालच मत लगाइए आप, और रही बात सबूत जुटाने की, वो तो हम लेकर आएंगे, वो तो आपकी उम्र का लिहाज रखते हैं, और इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारी बहन को उसके हक से यहाँ रहने दीजिए, नहीं तो भरी पंचायत में सब गांव वालों के सामने खड़ा होना पड़ेगा आपको। अच्छा धमकी दे रहे हो मुझे? पंचायत की? पंचायत मेरे ही हक में फैसला देगी,
और जहां तक इसकी बात है ना, लाइन खड़ी कर दूंगी इसके आशिकों की। बेइज्जती करानी है इसकी, बोलो। कुछ भी हो, हम अपनी पूजा को उसका हक दिला कर रहे हैं। चलो पूजा। बड़े आए वो धमकी देने वाले, क्या यहाँ से? देख लूंगी मैं भी पंचायत का ठेकेदार। ससुराल से निकाले जाने के बाद उसे अपने भाई के घर आसरा तो मिला, लेकिन घर जैसा प्यार और इज्जत नहीं मिली। उसकी भाभी ने घर का सारा काम उसके कंधों पर डाल दिया। पूजा ने भी इसे अपने घर का काम समझकर अपना लिया, लेकिन इसके बावजूद उसकी भाभी शीला को अपनी ननद का इस घर में रहना पसंद नहीं था। अपनी खूबसूरती के साथ साथ अब उसकी भाभी भी उसकी दुश्मन बन गई थी। अरे एकदम ताजा है, आधा किलो कर दीजिए। ये कैसा दिया? ये 5 रुपए का गड्डी है। ये कैसे दिया? ये 20 रुपए किलो। पहचाना नहीं इनको, सब फ्री में देना, समझा? जी जी। देख नहीं रहे, अनमोल रतन है, अनमोल रतन। पहचाना? मुखिया के बेटे हैं, अरुण। कितना निहार है तुमको, हाँ नजर ही नहीं हटती तुमसे। हमारे पास आ जाओ, रानी बना के रखेंगे। अरे शर्मा गई, अरे अब तो पति भी नहीं रहा तुम्हारा। बड़े सालों बाद हमारे घर में खुशी आने वाली। अरे पूजा, पूजा। मुबारक हो पूजा, भगवान ने हमारी सुन ली, तुम बुआ बनने वाली हो बुआ। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। कितने सालों के बाद इस घर में कुछ अच्छी खबर आई, हम जल्दी से जाकर खीर बनाते। हाँ बिल्कुल। सुनो जी, इस मनहूस को ये बात बताने की जरूरत नहीं थी। मैं नहीं चाहती कि इसका बुरा साया मुझ पर या हमारे होने वाले बच्चे पर पड़े। इसे शुभ मौके पर कैसी बातें कर रहे हो तुम शीला, हमारी बहन है वो। बहन है तो मैं क्या करूं? अब हमारा भी परिवार बढ़ने वाला है, हमें भी तो अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना है कि नहीं, कब तक इस बोझ को संभालेंगे? अब जब तक ये यहाँ बसी है, मेरे लाड़ तो पूरे होंगे नहीं। सोचती हूँ मायके चली जाऊँ, और तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। शीला, बहुत अच्छी खीर बनाई है तुमने पूजा, और मिलेगी ना? बिल्कुल भैया। भैया, भाभी ठीक ही कह रही थी, आने वाले बच्चे पर हमारा साया भी नहीं पड़ना चाहिए, हम तो हैं ही मनहूस। देखो पूजा, हम इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। हम मानते हैं कि इन दिनों शीला थोड़ी उल्टी सीधी बातें करने लगी। दरअसल 5 साल बाद घर में खुशखबर आई है, तो हम उसको भी कुछ नहीं कह सकते। देखो पूजा, उसके किसी बात का बुरा मत मान। मगर भैया, मैं हूं ना, हम सब ठीक कर देंगे। ये हो गया तुम्हारा पूरा सामान, ये चावल, ये दाल। बनी की दुकान से नहीं, मैं इतना टाइम किसी यार से मिलने चली गई थी क्या? कहाँ है सामान? कहाँ है सामान? वो भाभी, भाभी मोहल्ले के कुछ लड़के पीछे पड़ गए थे, वहां से भाग के आ गए, सारा सामान गिर गया। क्या? 800 का सामान गिर गया? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? जानती है कितनी मेहनत से कमा के लाते हैं तुम्हारे भाई पैसे, जो इतना बड़ा नुकसान करके धुमकती हुई वापस चली आई है। पता नहीं कब तक झेलना पड़ेगा इसे, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे।
पूजा, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, एक बार शादी के लिए हाँ बोल दो, फिर देखना ये जो गांव वाले हैं ना, जो तुम्हारी खूबसूरती और मासूमियत को बुरी नजर से देखते हैं, सब तुम्हारे सामने नजरें झुका के चलेंगे। क्यों पड़े हो तुम हमारे पीछे? क्या चाहते हो तुम? ये चेहरा जला देंगे हम इसको, फिर कोई नहीं देखेगा, तुम भी नहीं। ऐसा करोगी तब भी तुमसे शादी करेंगे, प्यार करते हो तुमसे बचपन से, एक बार तो मना कर चुकी हूँ लेकिन इस बार मत कर। नहीं, नहीं करेंगे तुमसे शादी, इस बार तुम मेरी होकर रहोगे। हर लड़की सुंदर दिखना चाहती है लेकिन पूजा के लिए उसकी खूबसूरती मानो उसके गले का फंदा बन गई। जब वो जवान हुई तो लोगों की बुरी नजरों से बचाने के लिए उसके भाई ने बहुत जल्द उसकी शादी करा दी, लेकिन शादी के 2 सालों बाद पूजा विधवा होकर वापस अपने भाई के घर आ गई, जहां उसे फिर से उन्हीं बुरी नजरों का सामना करना पड़ रहा था। आखिर हमारे समाज में एक लड़की का अकेले होना उसके लिए अभिशाप क्यों बन जाता है? कितनी बार कहा है तुमसे, हम उठा लेते हैं ये बोझ, लाओ छोड़ो, इस तरह छटपटाने से कुछ नहीं होगा। मुखिया के बेटे हैं, जिस चीज पे हाथ रख देते हैं वो हमारी हो जाती है। तूने इसको छूने की हिम्मत कैसे की? तू होता कौन है बीच में बोलने वाला? अपनी औकात में रहियो। लो, अब यही कसर बाकी रह गई थी, अब आशिक घर तक लाने लगी है, बिरादरी में नाक कटवाएगी क्या? ए जी सुनते हो, बाहर आकर देखो तुम्हारी बहन ने क्या गुल खिलाया है। क्या बात है? राम ने तो हमारी इज्जत बचाई है, वो मुखिया का बेटा अरुण। जी सुनील भैया, अरुण रास्ते में पूजा के साथ जबरदस्ती कर रहा था, वो एक बार पहले भी इसके साथ बदतमीजी कर चुका है, आपको इस बारे में पंचायत में बात करनी चाहिए, इतनी हिम्मत हुई है कल को कुछ गलत भी कर सकता है, मुखिया का बेटा हुआ तो क्या हुआ, गलती तो गलती है ना। हिम्मत संभव, छोड़ूंगा नहीं उसको मैं। इसमें दुनिया वालों की कोई गलती नहीं है, जब देखो तब काम के बहाने बाहर घूमती रहती है। बाहर निकल उस बच्चलन औरत को, ऐसी औरतें गाँव में नहीं रह सकती। तो ही था ना जो मेरी बहन के साथ बदतमीजी कर रहा था, जुबान काट कर हाथ में रख दूंगा अगर मेरी बहन के बारे में एक लफ्ज भी बोला तो। अरे पहले अपनी बहन से पूछो कि राम के साथ खेत में अकेले क्या कर रही थी। अरे बात मत पलटो, तुम जबरदस्ती कर रहे थे उसको अकेला देखकर, अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचता तो तुम तो उसके साथ। लो भाइयों, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये देखो मैंने इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया, तो ये तो मुझे जान से ही मारने की कोशिश कर रहा था, तो मैं ही किसी तरह से अपनी जान बचा के भागा वहां से। नहीं भैया, ये बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। भाइयों अगर ऐसी बच्चलन औरतें गांव में रही ना तो गांव का माहौल खराब ही होगा और कुछ नहीं। निकल जाए यहाँ से, मुसीबत कहीं की, अपने पति को खा के पेट नहीं भरा जो चली पूरे गांव को उजाड़ने। शीला रुको, क्या कर रही हो ये? बहुत हो गया, अरे तुम्हारी बहन नहीं हुई जैसे कहीं की महारानी हो गई है क्या? हम क्यों इसके कारण डरी हुई जिंदगी जिए? सुनो, अब ये इस घर में नहीं रहेगी, अब वहाँ तबेले में रहेगी, मंजूर है तो बोलो नहीं तो। भाभी वो अरुण झूठ बोल रहा है। तुम चुप रहो, हमारे घर के मामले में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, और सुनो जी, अगर तुमने अब भी इसका साथ दिया तो मैं मायके चली जाऊंगी। शीला, हमसे पंगा लिया है ना, ये बात यहीं खत्म नहीं होगी, पंचायत तक जाएगी।
चलो भाइयों। पूजा तुम इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? पूजा मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकता, शादी कर लो मुझसे। देखो राम, तुम प्लीज यहां से चले जाओ, नहीं तो हम अभी शोर मचाकर भैया को यहां पर बुला लेंगे। अरे काहे का भाई चाहिए, पहले तो तुम्हें ससुराल में बसा नहीं सका और उसके बाद ऐसी हालत में तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। अगर इतना ही भरोसा अपने भाई पे तो उनको बोलो कि तुम्हें जायदाद में हिस्सा दे दे ताकि तुम अपने लिए छत तो बना सको, वरना इस झोपड़े में बूढ़ी हो जाओगी तुम। कोई परवाह नहीं करेगा तुम्हारी, कोई पूछेगा नहीं तुम्हें। भाई भाई करती हो तुम, अरे काहे का भाई। तुम कौन होते हो हमारे घर के मामले में दखल देने वाले? हाँ मैं पूजा से प्यार करता हूँ और मैं पूजा को उसका हक दिलवा कर छोड़ूंगा। उसी के लिए ना ना सच्चा चाहता है कि गांव वालों को बुलाऊं। निकल यहां से। बैरी जाऊंगा मैं, नहीं डरता शरता गांव वालों से, किसी को भी बुला मैं सबके सामने खुलम खुला बोल सकता हूँ कि मैं पूजा से प्यार करता हूँ। वापस आना टांगे तोड़ूंगा। आऊंगा, बार बार आऊंगा, मैं पूजा से प्यार करता हूँ और मैं उसको उसका हक दिलवा कर छोड़ूंगा। चल 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 निकल। हम पूजा से प्यार करते हैं, बचपन से शादी करना चाहते हैं उससे, लेकिन उसका भाई हमें पंचायत में इसलिए नहीं लेकर आया कि हम उसे तंग कर रहे थे, बल्कि इसलिए लेकर आया कि हम पूजा को उसका हक मांगने के लिए कह रहे हैं। पूजा बेसहारा है, भाई के होते हुए भी उसको एक तबेले में टूटे से कमरे में रहना पड़ रहा है। अब आप लोग ही बताइए कि हमारे गाँव की बहू बेटियां असुरक्षित हैं। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि उसका भाई उसको उसका हक दे दे ताकि वो उन पैसों से अपने लिए छत ले ले, वरना मैं पूजा से शादी करने के लिए तैयार हूं और उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। क्यों बेटी, तुम राम से शादी करना चाहती हो? बोलो पूजा, बता दो उनको सच्चाई क्या है। जी नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, हम किसी से शादी नहीं करना चाहते। हम अपने भैया के साथ रहते, वो जो ठीक समझेंगे वही होगा। राम, तुम पूजा पर शादी का दबाव नहीं डाल सकते, इसीलिए हमारा फैसला है कि तुम सुनील से अभी माफी मांगो और आगे से पूजा को परेशान करते नजर आए तो हमें पुलिस में कंप्लेन देनी होगी। राम माफी मांगो। माफ कर दो मुझे। सुनील, पूजा का उसके मायके के घर और जायदाद पे उसका हक बनता है, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द पूजा को अपनी जायदाद और घर में हिस्सा देना होगा। यही हमारा फैसला है। छुटकी, पंचायत के फैसले के बारे में हमने बहुत सोचा। तुम तो तुम्हारी भाभी के बारे में जानती हो, वो कभी भी तुम्हें इस घर में नहीं रहने देंगे, इसलिए बहुत सोच समझ के हमने एक फैसला लिया। कैसा फैसला भैया? कि हम तुम्हारी शादी करवा देंगे।
इससे तुम्हें एक जीवन साथी मिल जाएगा और इन सब बाकी बदमाशों से तुम्हारा पीछा भी छूट जाएगा। पूरी जिंदगी तुम अकेले कैसे गुजारो? कल को मैं रहूं ना रहूं? भैया, ये कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, ना तो आपको कुछ होगा और ना हम दूसरी शादी करेंगे। देखो जिद मत करो चुटकी, ये दुनिया अकेली औरत को जीने नहीं देती, बात समझा करो। नहीं भैया, आप चिंता मत कीजिए, हम आप पर बोझ नहीं बनेंगे, हम अपना बोझ खुद उठाएंगे। पर शादी, शादी हम नहीं कर पाएंगे। अपना खर्च चलाने के लिए पूजा ने दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछे साफ सफाई का काम शुरू किया, लेकिन यहाँ भी उसकी खूबसूरती उसके लिए परेशानी बन गई। लीजिए चाय। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? उठिए, चाय तो दे दो। चलिए अंदर। अरे ओ, क्या हो रहा था यहाँ पे? वो जहाँ भी काम करने जाती लोगों की नजरें उसका पीछा करती। हार कर उसने अपने तबेले में अपनी माँ की सिलाई मशीन पर सिलाई का काम करने का फैसला किया। कुछ ही दिनों में उसे छोटा मोटा काम भी मिल गया। जिंदगी अब भी आसान नहीं थी, लेकिन पूजा को उम्मीद थी कि उसे जल्द ही अपने हिस्से की जमीन वापस मिल जाएगी। नजरों के सामने से मेरे बच्चे को खा गई, जान ले लूंगी मैं तेरी। चली जा यहां से। चलो शी, आराम कर। पूरे गांव से अपने बेटे की इस घटिया हरकत की वजह से मैं माफी मांगता हूं। मैं इसका बाप होने के नाते बेहद शर्मिंदा हूं। चल नालायक, पूरे गांव के सामने पूजा से हाथ जोड़कर माफी मांग। चल। ये तमाशा तुमको बहुत महंगा पड़े, बहुत। तुमसे तो हम निपटेंगे, हमारे बच्चे की मौत का बदला तुमसे लेकर आएंगे हम। चलो पूजा। पूजा की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक तरफ अरुण था जो उसे अपनी हवस का शिकार बनाने की ताक में था, और दूसरी तरफ राम जो उससे सच्चा प्रेम करने का खुलेआम दावा करता था। इन दोनों की वजह से पूजा पूरे गांव में बदनाम हो रही थी। अरुण और राम की लड़ाई और पंचायत के किस्से पूरे गांव में चर्चा का विषय बन चुके थे। पूजा का घर से निकलना दूभर हो गया था। ऊपर से उसकी भाभी उसे अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार मानती थी, और इसी वजह से उसने पूजा के साथ सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। पूजा अब एकदम अकेली हो चुकी थी। चुटकी, कोई भी हरकत हो तो हमें आवाज दे देना, घबराना मत, ठीक है? भैया। बोलो चुटकी। हम जानते हैं हमारी वजह से आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है, और अब ये भाभी के साथ। भैया, हम कहना तो नहीं चाहते, लेकिन अगर आप हमें हमारा हिस्सा दे दें तो हम यहाँ से जल्द चले जाएंगे, और फिर आपको परेशान करने कभी नहीं आएंगे। आप बस हमारा हिस्सा दिलवा दीजिए। चुटकी, तुम ये सब कुछ मत सोचो, हम है ना, बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है? चलो जाओ, अब ज्यादा सोचो मत, जाके सो जाओ, ठीक है? जाओ। Thank you.
किसी पे शक है आपको? जी नहीं सर। इसे तो मरना ही था सरकार, सारे गांव को पीछे लेके घूम रही थी सरकार। गांव के सारे लड़के इसके पीछे पड़े थे, खासकर अरुण और राम। तो तुम्हें किसी पे शक है सुनील? हम क्या कहें सर, उन्हीं लोगों में से कोई होगा, लेकिन अब शक करने का क्या फायदा? बदनसीब बहन तो चली गई ना। अरे सरकार, इसी के चक्कर में तो सुनील की बीवी का बच्चा भी गिर गया, और इसकी बीवी ने भी तो उसको जान से मारने की धमकी दी थी। क्यों, क्या कह रहा है ये सब? हर घर में नोकझोंक तो होती रहती सब, इसमें कौन सी बड़ी बात? ए रुको, हवलदार पकड़ो उसे। अरे मैंने कुछ, अरे चल क्या भाग रहा है? मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। क्यों मारा पूजा को? मैंने पूजा को नहीं मारा सर। तो भाग क्यों रहा था? वो पूरे गांव वाले मुझ पर शक कर रहे थे सर, मैं डर गया था सर। सर मुझे पता है कातिल कौन है सर, और मेरे पास सबूत भी है। पर क्या, और मैं कैसे मान लूं तेरे पास सबूत है? कहीं भाग गया तो? सर मैं ये गांव छोड़कर कहां जाऊंगा सर? मैं सर पूजा से प्यार करता हूं, और मैं उसके कातिल को सजा दिलवा कर छोड़ूंगा। मुझे कल सुबह तक का टाइम दे दीजिए सर, कातिल और सबूत दोनों आपके पास होंगे सर। तो अभी क्यों नहीं बता देता, कल तक का समय क्यों मांग रहा? कातिल को पकड़ने के लिए जिस आखिरी सबूत की मुझे तलाश है, मुझे आज रात को मिलने वाला। ठीक है, लेकिन अगर तूने कोई होशियारी करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सर हम मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं पूजा के कातिल को नहीं छोड़ूंगा, हम उसे सजा दिलवाकर ही रहेंगे। बचपन से उसकी खूबसूरती ने हमें परेशान करके रखा हुआ था, सोचा था शादी हुई तो बला टली, लेकिन दो साल बाद ही पति का देहांत हो गया। सास ने पूरा जायदाद उसे मायके वापस भेज दी। वो जब घर वापस आई थी, मैंने तो तभी सोच लिया इसको खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं डर गया कि दुनिया क्या कहेगी, और कहीं मैं पकड़ा गया तो फिर राम और अरुण के बीच पूजा को लेकर झगड़ा बढ़ने लगा। मुझे लगा कि जो मैं चाहता हूं वो खुद ब खुद हो जाए, और अब पूजा अपने आप घर से बाहर निकल जाएगी, लेकिन इसका उल्टा राम की वजह से पंचायत ने मुझे उसे जायदाद में हिस्सा देने को मजबूर कर दिया। कुछ समय तक तो मैंने बात को टाला, लेकिन जब उसने खुद मुझे जायदाद में हिस्सा देने की मांग की तो मैं डर गया, और इसके कहने पे उसे जायदाद का हिस्सा दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? वैसे भी
मैं अपने बच्चे को अरुण के कारण खो चुका था। बस मैंने उसी समय तय कर लिया कि इस पनापी को जल्द से जल्द खत्म कर दूंगा। सारा शक राम और अरुण पे चले जाएगा क्योंकि पूरा गांव इनकी हरकतों को जानता था। और फिर उस रात उसे मारने के लिए मैं ही तबेले में गया था। कैसे भाई हो तुम? अपनी ही बहन को पनौती बोलते हो? अरे जिस बहन की रक्षा करने के लिए कसमें खाते हो उसी को मार डाला तुमने। बोलदार मैं तो सिर्फ जुबान से कड़वी हूं लेकिन तुम तो दिल के भी कड़वे निकले। इतने साल तुम्हारे साथ रह के भी मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। भाई और बहन का रिश्ता होता ही रक्षा का है लेकिन पैसों की हवस रिश्तों के मायने बदल देती है। सुनील जिसे पूजा की रक्षा करनी चाहिए थी उसका जीवन फिर से संवारना चाहिए था उसी ने खुद अपनी बहन की जान दे दी। पूजा अकेली समाज का सामना कर रही थी लेकिन उसने कल्पना भी नहीं की होगी कि जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन साबित होगा। पूजा को सिर्फ बाहर के लोगों से नहीं अपने रिश्तेदारों से भी सावधान रहना चाहिए था। उसने अपना जीवन फिर से संवारने की हिम्मत दिखाई समाज के गलत लोगों से खुद को बचाने का हौसला रखा लेकिन अपने भाई की नियत का अंदाजा वो नहीं लगा पाई। अपनी बहन पूजा की हत्या के जुर्म में सुनील को आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जिस जमीन और औलाद के भविष्य के लिए उसने अपनी बहन की जान ली वो दोनों ही उससे छिन चुके थे। अब जेल में उसके पास कोई भी नहीं होगा इसीलिए सावधान रहिए सतर्क रहिए अपने आसपास के हर व्यक्ति से आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा मत कीजिए क्योंकि लालच किसी के मन में भी आ सकता है नियत किसी की भी खराब हो सकती है। आपकी सावधानी ही आपको बचा सकती है। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया इंडिया फाइट्स बैक।